डिफरेंस. अभी मैंने आप लोगों को एडिशन सिखाया, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का बेस में सिखाने वाली. सब्ट्रैक्शन ऐड का साइन क्या था, ऐड यानी प्लस था उसका साइन. अब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है. ओके, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस साइन है. अब आप लोग देखो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ऊपर का नंबर जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, उसके नीचे जो करना है वो छोटा नंबर होता है. अब सपोज मैंने इधर 6 लिख दिया है, अब उसके छोटे नंबर माइनस करके मैं 3 कर दिया है. ओके, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एडिशन में हमने ये दोनों डिजिट का लाइन बनाए स्टिक्स कर ड्रॉ किए है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर का स्टिक ड्रॉ करूँगी. 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स मैंने ड्रॉ कर दिए. अब यहाँ नीचे क्या है, 3. अब 3 कैसे कट करेंगे, 1 2 3 कट कर दिया मैंने. अब बाकी क्या रहा, 1 2 3, सो इधर 3 लिख दिया है. ओके, यहाँ पे कैसा है सम सब्ट्रैक्शन, यानी अगर मैंने कोई चीज लिया है, ओके, 100 रुपीज की चीज मैंने, सॉरी 100 रुपीज के नहीं, मैंने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिया और मैंने वो चीज़ 50 रुपये पे लिया है. ओके, जो भी परचेस करने गई थी मैंने 50 रुपये की चीज ले लिया है, मैंने कितने रुपीज़ का लिया है, 50 रुपीज़ की चीज़ें ली है. अगर मैंने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए, 100 मैंने शॉपकीपर को दिया है. ओके, ये शॉपकीपर को दिया है और मैंने इतना 50 रुपीज़ का बाय किया है, तो मुझे वापस कितना मिलेगा. तो ये काउंटिंग इस तरह करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शंस. ओके, एडिशंस कब बोलते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ें लिया है, पेंसिल मैंने लिया है, फिर मैंने पेन लिया है, फिर मैंने इरेजर लिया है, और कितना रुपीस हुआ टोटल, सब ये दोनों तीनों को प्लस करेंगे तब जाके मेरा आंसर मिलेगा, तो उसको एडिशन बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया किस तरह सब्ट्रैक्शन करना है. अभी मैंने यहाँ पे दूसरा भी नंबर दे देती हूँ, 8 - 2. अब मैंने फिंगर्स में भी मुझे ड्रॉ बताना है आप लोगों को. देखो अभी मेरे को ये 10 है, ओके, अब मुझे 8 निकालना है. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो को कट कर दिए, निकाल दिया. ओके, टोटल हुआ अभी 8. अब 8 में से मुझे कितना कट करना है, 2 कट करना है. सो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, सो 6 लेफ्ट हो गए, तो 6 लिखना है. या तो मैं इधर 8 स्टिक्स ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिक्स ड्रॉ किया, यहाँ कितना है, 2, मैंने 2 कट कर दिया, कितने बाकी रहा, 1, सॉरी मैं कट नहीं करूँगी, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए. ओके, वैसे ही हमें 2 डिजिट पे भी ही करना है. 2 डिजिट पे किस तरह करेंगे, देखो ये सिंपल सम्स है, 25 - 10. ओके, 5 में से 0, मैंने एडिशन में बताया कि 0 किसी से भी ऐड करोगे तो एज इट इज ये नंबर इधर लिखोगे, अगर बड़ा ऊपर 5 है बाद में माइनस पे 0 आता है तो 5 - 0 5 आता है, ये 5 एज इट इज यहाँ लिखेंगे. 2 में से 1 जैसे 1 2, और 1 कट करो, सो कितना हुआ, 1 15. ओके, अगर मैंने यहाँ पे, अब मेरे को आपको बोरोइंग सिखाना है, बोरोइंग सिखाना है वो अभी मैं इस तरह सिखाऊंगी. 32, और मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया है, माइनस करना है. अभी 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा. ओके, क्यों, क्योंकि यह टेंस में 2 छोटा है और उसके नीचे जो नंबर दिया वो 8 बड़ा नंबर है. अब 2 में से 8 नहीं जाएगा, सो मैं क्या करूँगी, 2 को कट करके इधर 2 तो लिखूंगी और यहाँ से एक 1 इधर रख दूंगी, 12. ओके, अब ये कट करके 3 में से एक 1 कट कर दूंगी तो इधर 2 आ जाएगा. सो अब 12 में से 8 जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है. अब 8 कट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बाकी रहा, 1 2 3 4, तो या 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0. जब ये नंबर 4 - 4 हो तो 0 होगा, 2 - 2 हो
तो जीरो का। ओके यहाँ पे ये सम्स को बोलते हैं बोरोइंग नंबर। बोरोइंग नंबर यानी आप एक नंबर अगर वंस छोटा है और टेंस बड़ा है तो टेंस में से एक नंबर वंस पे ले सकते हैं। ओके यहाँ पे अभी टू और एट है तो टू मेरा कट नहीं होगा, सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे टू लिख दूंगी, यहाँ से एक वन इधर रख दूंगी और यहाँ पे एक माइनस कर दूंगी, थ्री जो है थ्री का माइनस वन कर दूंगी तो टू हो गया, सो ऊपर टू लिख दिया। ओके अब एक ऐसा सम्स होगा जहां ऊपर जीरो होगा थर्टी, ओके यहाँ मैंने लिखा वन एट, अभी एट लिखा है, अब क्या करोगे जीरो माइनस एट दिया है वंस में सो आप एट लिख दोगे इसे? नहीं, ये गलत है। अगर यहाँ पे 38 माइनस 18 होगा तो ये जीरो आ सकता है। अगर मैंने यहाँ लिखा 38 माइनस 10 होगा तो ये नंबर एज इट इज इधर लिखेंगे। ओके लेकिन जब जीरो माइनस 8 आता है, 8 बड़ा है जीरो छोटा है, तो आप क्या करोगे जीरो को ये कैंसिल करके यहाँ से एक नंबर लेंगे, यहाँ 10 कर देंगे। ओके ये टेंस कर देंगे, अब यहाँ पे थ्री जो है थ्री में से एक कट होगा तो टू, अब टेन में से एट जाएगा तो टू, ओके टू में से वन जाएगा तो वन, टेन में से एट जाएगा तो टू कैसे कर सकते हैं बता दूँ? ओके ये टेन फिंगर्स है मेरे, अब एट कट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कट कर दिए मैंने, अब कितना बाकी रहा टू, तो मैंने टू लिखा। अब टू में से वन कट करो तो कितना आया वन आया, तो मैंने वन लिख दिया। ओके ये इस तरीके ही हमको थ्री डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर पे भी जा सकते हैं बोरोइंग पे, बहुत ही इजी है, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है सबट्रैक्शन माइनस करते जाने। ओके अब मैंने यहाँ लिखा तो 300 माइनस 198, ओके अब क्या करेगी, या तो 300 है मैम आप तो कन्फ्यूजन करवा दी, इतने हार्ड सम सम कैसे करेंगे? नो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है ये करने के लिए। अब यहाँ पे जीरो और एट है, अब क्या करोगे एट एज इट इज लिखोगे? नो, ये एट गलत है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कट करके टेन लिख दोगे। अब यहाँ से या तो जीरो से तो एक कट किया तो वन, तो ये नाइन हो गया, टेन करने का है पर यहाँ पे से एक नंबर ले लिया है तो यहाँ टू यहाँ पे नाइन कर दिया, अब नाइन में से नाइन तो जाएगा ही, ओके टेन में से ही जाएगा तो टू जीरो वन, आपका आंसर हो गया 102। ओके ये ऐसे ही सेम अगर थ्री डिजिट नंबर पे भी हो, सॉरी फोर डिजिट नंबर या फाइव डिजिट में भी हो, आपको ऐसे ही करना है। अभी मैंने दूसरा तरीके से सम दिया जहां पे दोनों साइड पे बोरिंग होती है, अब मैंने इस तरह का सम्स दिया है। ओके अभी सिक्स में से एट मेरा नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगी, इधर सिक्सटीन यहाँ पे सिक्सटीन लिख दिया, यहाँ पे एक नंबर लिया है तो सेवन का क्या होगा सिक्स, और इधर अभी सिक्स में से एट नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगी यहाँ से एक कट करके सेवन लग दिया, इधर वन सिक्सटीन कर दिया। ओके अब सिक्सटीन में से एट जाएगा तो एट, सिक्सटीन में से एट जाएगा तो एट, सेवन में से सेवन जाएगा तो जीरो, फोर में से थ्री जाएगा तो वन, आंसर आ गया। पहले मैं ऊपर का ये सॉल्व कर दूंगी फिर मैं माइनस कर दूंगी सो बहुत इजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे तीसरा नंबर दे देती हूँ, अनदर नंबर 8000, ओके माइनस 6934, ओके ये माइनस करना है तो मैं क्या करूँगी एक एक लेके नहीं जाऊंगी, पहले मैं यहाँ देखूंगी यहाँ पे जीरो का टेन कर दूंगी, यहाँ पे नाइन कर दूंगी, यहाँ नाइन कर दूंगी, अब देखते हैं नाइन में से थ्री जाता है, नाइन में से नाइन जाता है, यहाँ सेवन कर दूंगी। ओके अब मैं देखूंगी टेन में से फोर कितना आ जाएगा सिक्स, हमें जब भी एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो पहले राइट साइड के डिजिट से जाना है, हमें लेफ्ट साइड के डिजिट पहले नहीं लेने,
राइट साइड के डिजिट पहले ही हमें लेना है, ये वंस के डिजिट से स्टार्ट करना है। ओके, अब 9-3 कितना हुआ, 6, 9-9 0 और 7-6 1, 1066 आ गया। ओके, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो भी, सबट्रैक्शंस का बहुत ही इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बहुत सारे सम्स आप लोगों को देने वाली, तो वो होमवर्क पे कर सकते हो। ओके, नहीं तो नोट्स भिजवाऊंगी तो आप कर सकते हैं। ओके, टिल दैट, थैंक यू।